अवैध शराब तस्करी करने वाले एक आरोपी को पाचपावली पुलिस थाना अंतर्गत गिरफ्तार किया है। आरोपी से 17,280 रुपए का मुद्देमाल जब्त किया गया। मिली जानकारी के अनुसार मंगलवार की सुबह पाचपावली पुलिस पेट्रोलिंग कर रही थी, जिस दौरान उन्हें गुप्त जानकारी मिली कि एक व्यक्ति के घर में अवैध शराब का स्टॉक है, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी प्रणय उर्फ गोलू सुधाकर पाटिल के घर दबिश दी और उसके घर से अवैध शराब जब्त। इस संदर्भ में पुलिस निरीक्षक रविन्द्र नागोसी ने अधिक जानकारी साझा की। आज दिनांक रोजी आमचे डीबी चे पुलिस हवालदार श्री रवि मिश्रा हे रेकडवारी गुन्हेगार चेक करत असताना पेट्रोलिंग करीत होते, त्यांना गुप्त बातमीदाराकडून माहिती मिळाली की आरोपी प्रणय उर्फ गोलू सुधाकर पाटील यांच्याकडे दारूचा साठा आहे। त्यावरून ते डीबी पार्टी ही त्यांच्या राहत्या घरी जाऊन रेड कारवाई केली, त्यामध्ये एकूण कोपनहेगन डेनमार्क ट्यूबर प्रीमियम बियर याचे एकूण 8 खरड्याचे खोके मिळून आले, त्यामध्ये 96 बियर बॉटल्स होते, त्याची किंमत एकूण 17,280 रुपये असे मिळून आले। त्यावर रेड कारवाई करून त्याच्यावर कारवाई करून गुन्हा दाखल करण्यात आला। पुलिस ने आरोपी से कुल 17,280 रुपए का मुद्देमाल जब्त किया और पुलिस द्वारा इस मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ दिशा हटवार, BCN न्यूज़ नागपुर।